दोस्तों ये हेमर ब्रांड की तरफ से आता हुआ एक काफी अमेजिंग स्मार्ट वॉच, बजट रेंज स्मार्ट वॉच है। नॉर्मल डिस्प्ले प्राइस रहता है 1500 रुपए, लेकिन मैंने इसे सेल पे खरीदा था 1299 रुपए में। ये है हेमर पल्स एस 2.0 स्मार्ट वॉच, काफी ज्यादा एक अमेजिंग स्मार्ट वॉच है। इसके ऊपर मैंने चैनल पे आपको बहुत सारे वीडियो दे रखा है। अभी तक कोई भी वीडियो नहीं देखा है ना, प्लेलिस्ट लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाके सारे वीडियो चेकआउट कर लेना। इस स्मार्ट वॉच के अंदर आपको काफी सारे फीचर्स मिलते हैं, लाइक ब्लूटूथ कॉलिंग मिल जाता है, काफी बड़ा सा स्क्रीन साइज देखने को मिल जाता है। इसके अंदर आपको सेंसर्स मिल जाते हैं, लाइक पेडोमीटर मिल जाएगा जिसका एक्यूरेसी काफी ज्यादा अच्छा है। एंड आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे, अगर आपने स्मार्ट वॉच ले रखा है तो इसके अंदर किस तरीके से आप कस्टम वॉलपेपर लगा सकते हो या फिर एप्पल लोगो किस तरीके से लगा सकते हो। तो इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखना, काफी इजी वे में बताऊंगा। हेलो दोस्तों, मैं हूं एनिमेशन, आप सबका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों ये जो हैमर पल्स एस 2.0 स्मार्ट वॉच है, ये कनेक्ट होता है आपके आईफोन से, एंड्रॉइड फोन से, दोनों से कनेक्ट हो जाएगा। कनेक्ट होगा एक एप्लीकेशन आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा जिसका नाम है फिट प्रो, काफ़ी इजीली आपको ऐप स्टोर एंड प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। आप उसे इंस्टॉल कर लेना, उसके बाद किस तरीके से कनेक्ट करना है, किस तरीके से आपको इसमें कस्टम वॉलपेपर लगाना है, तो चलो चलते हैं सीधे मोबाइल स्क्रीन पर। सो गाइज, ये रहा हमारा हैमर पल्स एस 2.0 स्मार्ट वॉच। इस स्मार्ट वॉच पे कस्टम वॉलपेपर लगाने का ये वीडियो मैं आपको बता रहा हूँ। तो अभी जब आप स्मार्ट वॉच को लोगे ना, तो इसके अंदर आपको 5 वॉच फेसेस देखने को मिलता है। मैंने एक लगा कर रखा है, तो आपके टोटल 6 वॉच फेसेस बन जाएंगे। जैसे अभी आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 6, इसके अंदर आपको 6 वॉच फेसेस देखने को मिलता है, जिसमें से ये वाला वॉच फेस जो है कस्टम वॉलपेपर मैंने लगा रखा है। अब आप चाहोगे कि इसके अंदर आप खुद का फोटो कैसे लगा सकते हो, या फिर आप चाहोगे कि इसके अंदर आपको किसी लोगो लगाना है, एप्पल लोगो हो गया, इस तरीके से कुछ भी, तो वो कैसे करना है, बड़ा सिंपल है। ये कनेक्ट होता है फिट प्रो एप्लीकेशन से। इसके बॉक्स के पीछे आप देख सकते हो फिट प्रो लिखा हुआ है, तो ये फिट प्रो ऐप से काफी इजिली कनेक्ट हो जाता है। तो चलो चलते हैं सीधे एप्लीकेशन पे। तो ये रहा गाइस फिट प्रो एप्लीकेशन, मेरे डिवाइस पे मैंने इंस्टॉल कर रखा है। इसे ओपन करते हैं, या आप अपने मोबाइल फोन में कर सकते हो, मैंने अपने टैबलेट पे डाल रखा है। अब यहाँ पे इस तरीके के कुछ आपको मेन्यू देखने को मिलेगा। अगर आप फर्स्ट टाइम इंस्टॉल करोगे तो आपको कुछ परमिशंस मांगेगा, आप सारे परमिशंस अलाउ कर देना। सेट वाले ऑप्शन में चलेंगे, एंड यहाँ पे अब आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है पल्स एस 2.0 हमारा डिवाइस कनेक्टेड है। क्योंकि अगर आप एक बार इसे कनेक्ट कर दोगे ना, उसके बाद आप जब भी ऑन करोगे तो ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाता है। तो बहुत सीमलेस कनेक्टिविटी देखने को मिलता है इसी स्मार्ट वॉच के अंदर। कनेक्टिविटी में आपको कोई भी इश्यू नहीं आने वाला है। तो यहाँ पे हमारा स्मार्ट वॉच कनेक्टेड है। अब यहाँ पे आपको कुछ कुछ ऑप्शंस देखने को मिलेंगे, जिसमें ये डायल सेटिंग का ऑप्शन आपको नजर आएगा। इस डायल सेटिंग पे चलेंगे ना, तो यहाँ पे आपको काफी सारे वॉच फेसेस देखने को मिलेंगे, इसके क्लाउड वॉच फेसेस, जिसको आप इंस्टॉल कर सकते हो, और इंस्टॉल करके आप अलग अलग वॉच फेसेस यहाँ पे ट्राई आउट कर सकते हो। तो गाइज यहाँ पे काफी सारे वॉच फेसेस आपको देखने को मिल जाते हैं, आप कुछ को भी डाउनलोड करके यहाँ पे लगा सकते हो, सारे फ्री हैं। तो कोई सा भी यहाँ पे एक टेम्पलेट चूज कर लो, जैसे मान लो ये वाला मैं चूज कर लेता हूँ। अब यहाँ पे क्या है ना, अगर मैं सिंक्रोनाइज डायल कर दूंगा ना, तो ये सेम टू सेम जो वॉच फेस देखने को मिल रहा है ये हमारे स्मार्ट वॉच के अंदर आ जाएगा। लेकिन हमें करना क्या है, हमें इसके पीछे अपना फोटो लगाना है। उसके लिए करेंगे क्या, चेंज द डायल पे क्लिक कर देंगे। अब ये आपका गैलरी ओपन हो जाएगा। अभी आपको ब्लर देखने को मिलेगा, क्योंकि मैंने हाइड करके रखा है पर्सनल रीजन से। तो यहाँ पे आपको गैलरी से अपना फोटो चूज कर लेना, जिस फोटो को आप यहाँ पे वॉलपेपर पे लगाना चाहते हो। ठीक है, तो जैसे मैं अपना एक यहाँ पे फोटो चूज कर लेता हूँ, जो मैं यहाँ पे वॉलपेपर में लगाने वाला हूँ। ये रहा गाइस, मैंने एक फोटो चूज कर लिया है। अब यहाँ पे आपको क्रॉप करने का ऑप्शन मिलेगा कि आप कितना इसे क्रॉप करना चाहोगे, किस तरीके से। तो मैं इसे कुछ यहाँ पे इस तरीके से ले आता हूँ, एंड इसे टिक पे क्लिक कर देंगे। टिक पे क्लिक किया मैंने, अब यहाँ पे आप देख सकते हो बैकग्राउंड चेंज हो गया है। अब ये टाइमर जो है, टाइम देखने को मिल रहा है, इसका पोजीशन आप कहाँ चाहते हो, नीचे चाहते हो, या फिर आप इसे लेफ्ट साइड में चाहते हो, इसे ऊपर चाहते हो, इस तरीके से आपको यहाँ पे अलग अलग पोजीशन देखने को मिलेगा। तो मैं क्या करूँगा ना, मैं इसे नीचे ही इस तरीके से रहने दूंगा, इस तरीके से ज़्यादा अच्छा लग रहा है। एंड अब क्या करेंगे, सिंक्रोनाइज डायल पे क्लिक कर देंगे। सिंक्रोनाइज डायल होते वक्त आपको ये ध्यान रखना है कि आपका स्मार्ट वॉच चार्ज होना चाहिए। एक आपको रिमाइंडर भी दे देगा कि जब आपका ये सिंक्रोनाइज हो रहा होगा, तब एप्लीकेशन को बंद मत करना, या स्मार्ट वॉच को बंद कर दोगे तो आपका जो सॉफ्टवेयर है वो करप्ट हो सकता है स्मार्ट वॉच का, एंड आपका स्मार्ट वॉच डेड हो सकता है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, इसे आपको बंद नहीं करना है। एंड ये आपका अपग्रेड हो रहा है, 100% तक होने में कुछ टाइम लगने वाला है। एंड उसके बाद यहाँ पे हमारा स्मार्ट वॉच में वॉच फेस लग जाएगा। जैसे अभी आपको मैं दिखा दूँ, तो आप देख सकते हो ये अपग्रेडिंग का साइन इसके अंदर आ चुका है। तो चलो इसे कंप्लीट होने देते हैं, एंड फिर दिखाता हूँ कि किस तरीके क्वालिटी में हमारा वॉच फेस इसके ऊपर लग चुका है।
तो गाइस देख सकते हो हमारा वॉच फेस बिल्कुल लग चुका है, एग्जैक्ट क्वालिटी यहाँ पे मेंटेन है। आप देख सकते हो इस फोटो पे आपको कुछ भी डिस्टॉर्शन देखने को नहीं मिलेगा, एग्जैक्ट क्वालिटी यहाँ पे मेंटेन रह रहा है। देख सकते हो बिल्कुल यहाँ पे जितने भी मेरे फेशियल डिटेल्स हो गए, बैकग्राउंड डिटेल्स हो गए, बिल्कुल मेंटेन है। तो इस तरीके से इसके अंदर आपको जो HD स्क्रीन देखने को मिल जाता है ना, उस पर आप जब अपना वॉलपेपर लगाओगे, कोई भी कस्टम वॉलपेपर लगाने वाले हो ना, तो बहुत ज्यादा निखर के आएगा, बहुत ही अच्छा लगने वाला है। तो इस सिंपल प्रोसेस को यूज करके आप अपने पल्स 2.0 स्मार्ट वॉच के अंदर कस्टम वॉलपेपर लगा सकते हो। अब आप चाहोगे कि इसके बैकग्राउंड पे एप्पल लोगो लगाना है, कुछ और करना है, तो सिंपल है, गूगल से फोटो डाउनलोड कर लेना, चेंज रॉयल पे क्लिक करना एंड बाकी जो प्रोसेस मैंने बताया उस प्रोसेस से आप स्मार्ट वॉच के अंदर अपना कोई भी कस्टम वॉलपेपर बना के लगा सकते हो उसके बैकग्राउंड पे, एंड कुछ इस तरीके से क्वालिटी आएगा, काफी ज्यादा अमेजिंग दिख रहा है। सो काफी सिंपल प्रोसेस था गाइज, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो देखा गाइज आपने किस तरीके से आप अपने हैमर पल्स एस 2.0 स्मार्ट वॉच के अंदर कस्टम वॉलपेपर लगा सकते हो, काफी सिंपल सा स्टेप था, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया वीडियो को दोबारा पीछे जाओ एंड दोबारा देख लेना, काफी अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। वीडियो पसंद आया है लाइक कर देना, कमेंट कर देना अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा होगा, शेयर करना इस वीडियो को सबके साथ, जाते हुए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना इसी तरीके के हेल्पफुल वीडियोस के लिए। फिर मिलते हैं बहुत जल्द, अपना ख्याल रखिए, जय हिंद, वंदे मातरम।